राजस्थान ने चेन्नई को हराया। संदीप शर्मा के ओवर में पलटा मैच। ऑक्शन में रह गए थे अनसोल्ड। राजस्थान रॉयल्स और सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले गए चेपॉक के मैदान पर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने 3 रनों से जीत हासिल की। करीबी मुकाबले में राजस्थान की टीम के गेंदबाज संदीप शर्मा ने कमाल किया। दरअसल आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स को आखिरी ओवर में 21 रनों की आवश्यकता थी। मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी मौजूद थे, बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसे में हर बार ये देखा जाता है, माना जाता है कि जब महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी कर रहे हो और मैच आखिरी ओवर तक चला गया हो, तब महेंद्र सिंह धोनी किसी भी वक्त बल्लेबाजी से मैच को पलट सकते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि गेंदबाज और सामने वाली टीम तो 99% हार भी मान लेती है, लेकिन राजस्थान और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हुए मुकाबले में कुछ उलट हुआ और राजस्थान के गेंदबाज संदीप शर्मा ने कमाल किया। दरअसल आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स को इस मैच को जीतने के लिए आखिरी ओवर में 21 रनों की आवश्यकता थी। एक सीनियर गेंदबाज को संजू सैमसन ने गेंद दी। संदीप शर्मा गेंदबाजी करने के लिए उतरे, हालांकि उन्होंने शुरुआती 2 गेंदें डॉट फेंकी। एक इंटरनेशनल लेवल के गेंदबाज के रूप में आके जाने वाले संदीप शर्मा प्रेशर में नजर आए, कुछ लय भी उनकी गड़बड़ाती हुई नजर आई। ऐसे में 6 गेंदें सीधा बची हुई थी, सामने चेन्नई को 19 रनों की आवश्यकता थी। इसके बाद संदीप शर्मा ने पहली गेंद फेंकी और वो गेंद डॉट रही, जिसके बाद संदीप ने राहत भरी सांस ली। इसके बाद अगली 2 गेंदों पर वह अपना संतुलन गवा बैठे, लाइन लेंथ भूले और अगली 2 गेंदें यानी कि ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद को महेंद्र सिंह धोनी ने दर्शकों के बीच 6 रन के लिए भेजा और 12 रन सीधा प्रेशर से कम किए। इसके बाद अगर बात करें मुकाबले की, तो फिर सामने चेन्नई सुपर किंग्स और महेंद्र सिंह धोनी थे, गेंदबाज वही संदीप शर्मा थे। 3 गेंदों पर 7 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन इस बार संदीप शर्मा ने कमाल किया और अगली 2 गेंदों पर उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की। मैच आखिरी गेंद तक गया, आखिरी गेंद पर धोनी थे और 1 गेंद पर 5 रनों की आवश्यकता थी। लगा कि इसके बाद भी धोनी शायद मैच को पलट देंगे, छक्का मारकर मैच को फिनिश कर देंगे, जैसा कि वह इंटरनेशनल लेवल पर और कई बार IPL में करते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन इस बार फिर संदीप शर्मा की जीत हुई। उन्होंने कमाल की यॉर्कर फेंकी और धोनी के पास उसका जवाब नहीं मिला। गेंद पर 1 रन आया और सामने वाली टीम यानी कि राजस्थान को 3 रनों से जीत मिल गई। आपको बता दें कि इसके बाद संदीप शर्मा ने अपनी गेंदबाजी को लेकर कहा कि मैं यॉर्कर की तैयारी करके आया था, लेकिन दूसरी और तीसरी गेंद पर मैं अपनी लाइन लेंथ भूला जो कि छक्के के लिए गई, लेकिन इसके बाद मुझे खुशी है कि मुझे वापसी मिली और मैंने यॉर्कर को सही तरीके से फेंका। इसके बाद आपको बता दें कि संदीप शर्मा को लेकर चर्चा होने लगी कि आखिरकार संदीप शर्मा राजस्थान के लिए इतने महत्वपूर्ण गेंदबाज होने के बाद भी अब तक टीम में क्यों नहीं आए। दरअसल आपको बता दें कि संदीप शर्मा IPL के मिनी ऑक्शन में अनसोल्ड रह गए थे। लंबा अनुभव रखने वाले संदीप शर्मा IPL में कई लंबी टीमों के साथ खेले हैं, लेकिन इसके बावजूद IPL 2023 की मिनी ऑक्शन में वह अनसोल्ड रह गए। किसी भी टीम ने उन पर रुचि नहीं दिखाई और अब ना ही पैसा खर्च करने का विचार किया। इसके बाद संदीप शर्मा ने कहा था कि ये मेरे लिए वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं अनसोल्ड रह गया हूँ। लेकिन उनकी किस्मत जब पलटी, जब राजस्थान के मुख्य गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा चोटिल हो गए। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान के लिए पिछले कई सीजन से गेंदबाजी का मोर्चा संभाल रहे प्रसिद्ध कृष्णा IPL 2023 से पहले चोटिल हो गए। ऐसे में उन्हें IPL से बाहर होना पड़ा, राजस्थान को उनका विकल्प ढूंढना पड़ा और राजस्थान के मैनेजमेंट और उनकी टीम ने संदीप शर्मा पर भरोसा जताया। बता दें कि संदीप शर्मा ने इस मैच में 3 ओवर फेंके, 30 रन दिए और 1 विकेट भी चटकाया। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट लिया। बहरहाल संदीप शर्मा की इस गेंदबाजी की तारीफ इस वक्त हर जगह हो रही है। सोशल मीडिया पर लगातार उनकी तारीफ के कसीदे पढ़े जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि एक अनसोल्ड रह गए खिलाड़ी से चेन्नई सुपर किंग्स और महेंद्र सिंह धोनी की पूरी टीम हार गई। आपके जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स की अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।